मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया। किसानों का कहना है कि खबरों के आधार पर उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार A2+ FL+ 50% के आधार पर एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि C2+ 50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। खबरों की माने तो किसानों के सामने मक्का, कपास, अरहर, तोर, मसूर और उड़द समेत 5 फसलों की खरीद को लेकर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि वो C2+ 50% के फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। किसान मोर्चा कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को C2+ 50% के आधार पर एमएसपी देने का सुझाव दिया था। बयान में यह भी कहा गया है कि इसके आधार पर तमाम फसलों पर वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। इसके जरिए किसान अपनी फसल एक फिक्स्ड कीमत पर बेच सकेंगे और उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मोर्चा ने कहा कि अगर मोदी सरकार बीजेपी के वादे को लागू नहीं कर पा रही तो प्रधानमंत्री ईमानदारी से जनता को बताएं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि उनके द्वारा प्रस्तावित एमएसपी A2+ FL+ 50% पर आधारित है या C2+ 50% पर। चर्चा में कोई पारदर्शिता नहीं है, जबकि 4 बार चर्चा हो चुकी है। दिल्ली सीमाओं पर 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान SKM द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक संस्कृति के खिलाफ है। SKM ने केंद्रीय मंत्रियों से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मोदी सरकार ऋण माफी, बिजली का निजीकरण नहीं करने, सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना, 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी को बर्खास्त करने की भी मांग है। किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि किसानों के संघर्ष को तेज करने के लिए मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों और कॉपरेटिव भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करने के लिए पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों पर क्रूरता लगातार बढ़ रही है। बयान के मुताबिक किसान मोर्चा अगली मीटिंग 21 से 22 फरवरी तक करेगा, जहां आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। तो हम भी करेंगे आंदोलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किस फरवरी तक का समय है, सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने दालों, मक्का और कपास का जिक्र किया, उन्हें इन दोनों फसलों को भी शामिल करना चाहिए। अगर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया तो हमें इसके बारे में फिर से सोचना होगा। कलम ने फैसला लिया है कि अगर 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल